हेलो, वेलकम टू प्रोग्राम योर माइंड विद दिस साइट। और आज मैं बहुत ही एक कमाल की चीज के बारे में बात करने वाला हूं, और वो है कि आज जिस टाइम फ्रेम में आप एग्जिस्ट करते हैं, यानी आज की जो दुनिया है जिसमें आप हो, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू बी सक्सेसफुल। यानी आपके सफल होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए ये सबसे अच्छा टाइम फ्रेम है। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप इस बात को समझ पाएंगे कि अगर हम पास्ट को देखें, यानी कि जो पुराना टाइम बीत चुका है, जब से ह्यूमन रेस डेवलप होना शुरू हुई, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली हम प्रोग्रेस करते हुए आए, बहुत सारे एजेस बीच में आए। एक वो टाइम था जब लोग कबीलों में रहा करते थे, फिर उसके बाद एक वो टाइम था जब साम्राज्य यानी कि राज्य वगैरह बनना शुरू हुए, जब किंगडम्स हुआ करते थे। उसके बाद वो वाला टाइम आया जब इंडस्ट्रियल एज थी और इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग वर्कर कैटेगरी में होते थे। और इसके बाद फिर आज का टाइम यानी कि इंफॉर्मेशन एज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो टाइम है, वो टाइम आया। और अगर देखें स्टैट्स को तो वो कहते हैं कि टुडे एक्चुअली वी आर लिविंग इन द फ्यूचर, यानी कि एक तरीके से हम भविष्य की जिंदगी को आज जी रहे। सो समझते हैं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि वाई एग्जैक्टली दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू बी सक्सेसफुल। यानी आपके सफल होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए कैसे ये सबसे अच्छा टाइम है, मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे पॉसिबल है और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। अगर हम बहुत पुराने टाइम की बात करें, जब लोग कबीलों में रहा करते थे, उस टाइम पे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान, इन्फ्लुएंशियल इंसान कौन होता था? उस समय वो इंसान सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ करता था जिसके पास सबसे ज्यादा मसल पावर थी, यानी कि जो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था, बहुत पावरफुल हुआ करता था। ऐसे लोग उस समय सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते थे। क्यों? क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ के कारण वो बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते थे, कंट्रोल कर पाते थे, और फिजिकल पावर वॉज द मेन सोर्स और मेन डिसाइडिंग फैक्टर जिससे पता चलता था कि कौन सा इंसान कितना ज्यादा कामयाब है। जो कामयाब इंसान होता था यानी कि फिजिकली पावरफुल होता था, वो अपनी फैमिली को अलग तरीके से अपब्रिंगिंग दे पाता था, बाकी लोग उसके अधीन रहते थे या उसके अंडर में रहते थे या उसे हाईली इन्फ्लुएंशियल समझा करते थे। इस तरह का दौर था वो, इस तरह का टाइम था। तो अगर उस समय अगर आप पैदा हुए होते और आप सोच के देखो कि बाई चांस अगर आप उतनी स्ट्रांग स्ट्रेंथ के साथ यानी अपनी स्ट्रांग बॉडी के साथ इस दुनिया में नहीं आए होते, या आप ऐसे बॉडी फ्रेम के साथ नहीं आए होते जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सन का है, आप एक नॉर्मल एवरेज पर्सन होते, तो द चांसेस फॉर यू टू बिकम हाईली इन्फ्लुएंशियल एंड सक्सेसफुल वॉज वेरी लो, यानी कि बहुत कम होते इस बात के चांसेस कि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए। उसके बाद के जनरेशन की बात करते हैं, यानी कि वो वाला टाइम जब किंगडम्स वगैरह डेवलप हुए, यानी कि जब राजा हुआ करते थे, प्रजा हुआ करती थी, उस समय सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पावरफुल कौन होता था? जाहिर सी बात है द किंग और द क्वीन, जहां पे जैसा ट्रेडिशन था, जिस तरह का एनवायरनमेंट था, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो राजा या रानी हुआ करते थे, दे वर द मोस्ट सक्सेसफुल एंड पावरफुल पर्सन ऑफ दैट टाइम। वो सबसे ज्यादा पावरफुल लोग हुआ करते थे उस दौर के। और अगर आप सोच के देखो, अगर आप एक राजा की तरह पैदा होते तो आपकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती, लेकिन अगर आप उसी राजा के किंगडम के एक नॉर्मल इंसान की तरह पैदा होते तो आपको कभी भी यह अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि यू कैन ऑल्सो बिकम द किंग। इस बात के चांसेस शायद ही कभी होते, है ना, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जिसे मैं बोलूंगा। सो वो वाला टाइम भी एक अच्छा टाइम था, हर टाइम अपने अकॉर्डिंग अच्छा होता है, लेकिन जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना कि उस दौर में अगर आप पैदा होते तो उस ड्यूरेशन में आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओ, आप ऐसे पर्सन बन जाओ जो राजा के बराबर है, या इनफैक्ट राजा है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत पावरफुल है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, उस समय सक्सेसफुल होने के लिए लोग क्या करते थे, दे यूज टू बिल्ड रिलेशनशिप विद द किंग, यानी कि राजा के साथ कैसे भी वो कोशिश करते थे कि उस हायरार्की में, यानी कि सबसे टॉप पे जहां पे किंग है, ज्यादा से ज्यादा ऊपर के लेवल के साथ मैं कनेक्शन में आ जाऊं, उसका चाहने वाला, जानने वाला, दोस्त या ऐसा कुछ बन जाऊं, तो आई विल बी अ सक्सेसफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सन। उस टाइम का ये चैलेंज था, ये सिनेरियो था। उसके बाद जो एज आती है वो है इंडस्ट्रियल एज। इंडस्ट्रियल एज में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल एज में हुआ ये कि जो लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, यानी कि जिनके पास बहुत सारा पैसा था, जिनके पास पहले से बहुत ज्यादा पूंजी थी, वो लोगों के लिए वो टाइम बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद टाइम था, क्योंकि उस टाइम पे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज थी सक्सेसफुल होने के लिए। पावरफुल होना उस टाइम पे क्या था, वो पावरफुल होना था पैसा होना, यानी जिसके पास पैसा है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज द पर्सन कैन क्रिएट इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लोगों को काम पे लगा सकते हैं,
ही कैन क्रिएट बेनिफिट या की प्रॉफिट आउट ऑफ इट, और डेफिनेटली वो एक सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी को जी सकता है ऐसा पर्सन उस पर्टिकुलर टाइम में। लेकिन फिर भी काफी हद तक अगर ये देखे तो दिस वॉज डिपेंडेंट ऑन द हेरिडिटी, यानी कि पहले पास्ट में अगर आपके पूर्वज अमीर हैं तो जाहिर सी बात है कि आप भी एक रिच फैमिली में पैदा हो रहे हो और यू हैव लॉट्स ऑफ कैपिटल टू बिकम अ कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट। सो इस तरह की चीजें थी। तो वहां भी क्या था, जो लोग बिल्कुल पुअर फैमिली से थे या नॉर्मल एवरेज लोग थे उनके पास अपॉर्चुनिटी कम होती थी। कम होती थी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो नहीं सकती, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्क्रैचेस से शुरू किया और बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, लेकिन इस प्रोसेस ने पूरी की पूरी जिंदगी कॉस्ट की उनकी। 20 साल 25 साल 50 साल अपनी जिंदगी के लगाने के बाद एक जनरेशन अपना पूरा का पूरा टाइम लाइफ सब कुछ लगाते, उसके बाद जाके फिर एक लेवल तक चीजें स्टैंड हो पाती थी कि नेक्स्ट जनरेशन को वो पास ऑन की जा सके। सो दिस वॉज द इंडस्ट्रियल एज जिसमें ऐसी ऐसी चीजें होती थी। तो वहां पे भी लिमिटेड रिसोर्सेस और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती थी किसी कॉमन मैन के लिए ग्रो करने के लिए। लेकिन जिस एज में आज हम रह रहे हैं, दिस इज अ वंडरफुल टाइम अगर हम पूरे पास्ट टाइम को देखते हैं तो। क्यों? बिकॉज आज के टाइम पे पावर क्या है, जो बहुत पुराने टाइम की बात करूं मैं, वहां पे पावर क्या था, फिजिकल स्ट्रेंथ। उसके बाद जब मैंने बात की किंगडम्स वाले टाइम की, उस समय पावर क्या था, उस समय पावर था टू बी अ सन और डॉटर ऑफ अ किंग और क्वीन, यानी कि अगर आप ऐसा कुछ हैं तो यू आर पावरफुल। उसके बाद की अगर बात करूं तो था कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास बहुत सारा अमाउंट है, फाइनेंस है, दैट पर्सन इज पावरफुल। और अगर ये चीजें आपको मिली हुई है बाई बर्थ, है ना, इन अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट, तो बहुत ही कमाल की बात है उस ड्यूरेशन के लिए, लेकिन हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी। पर आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में पावर क्या है, मैं आपको बताऊं, आज के टाइम में पावर है द नॉलेज, द इंफॉर्मेशन दैट एग्जिस्ट, यानी कि जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन है वही आज के टाइम पे सबसे बड़ी पावर है। जो इंसान क्रिएटिव सोच सकता है और उसे इंप्लीमेंट कर सकता है, दैट पर्सन कैन बी हाईली इन्फ्लुएंशियल, दैट पर्सन कैन बी हाईली सक्सेसफुल। और मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि आज भी बहुत सारी हायरार्की होती है, पहले अगर किंग हुआ करते थे तो आज भी अगर हम पॉलिटिक्स को देखें तो बहुत सारी हायरार्की है, ठीक है, वो सारी चीजें अपनी जगह एग्जिस्ट करती है, बट स्टिल यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी हाईली सक्सेसफुल, टू बी हाईली पावरफुल, हाईली इन्फ्लुएंशियल यू कैन बी एट एनी टाइम। और इसके लिए किस चीज की जरूरत है, जो जरूरत है वो है इंफॉर्मेशन की, और उस इंफॉर्मेशन को एक्शन में डालने की। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन हर जगह फैली पड़ी हुई है, बहुत बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस पूरी दुनिया में फ्लोट कर रही है। और जो ये टाइम है, दैट मीन्स द टाइम ऑफ इंटरनेट, अगर आज आप आज से कुछ साल पहले भी आप देखो तो इंटरनेट वॉज नॉट इन दिस फॉर्म। आज जितना डेटा हम कंज्यूम करते हैं, यू कैन वॉच वीडियोज, आप दुनिया में कहीं का भी कोई भी कंटेंट, ऑलमोस्ट ऑल द कंटेंट इज अवेलेबल ऑनलाइन। आप बहुत सारी चीजें ऑनलाइन, हो सकता है कुछ चीजें पेड हो, सकता है कुछ चीजें फ्री हो, बट यू हैव एक्सेस टू दोज थिंग्स, पहले ऐसा नहीं था। सो दिस इंफॉर्मेशन हैज लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, लेकिन सक्सेसफुल कौन होगा, जो उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को लेने के बाद उसको एक्शन में डालेगा, यानी उसके ऊपर काम करेगा। एंड डेफिनेटली यू कैन डू द सेम, यू आर लिविंग इन द बेस्ट टाइम। क्योंकि आज जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे फिर ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, नहीं, वो टाइम गया। आज जरूरी नहीं है कि आपके अगर पेरेंट्स जो हैं, अगर वो बहुत बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी एक आम इंसान निकल के सक्सेसफुल हो सकता है। आज जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा पहले से ही होना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। आज आपने देखा होगा कि देयर आर कंपनीज जो एक साल में, दो साल के अंदर मल्टी बिलियनियर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड कर देती है, जो हो रहा है। और ये क्यों हो पा रहा है, बिकॉज द टाइम हैज एंटायरली चेंज्ड, दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है। और अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो यू नीड टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, आपको इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पकड़ोगे तो और सिर्फ किस्मत के भरोसे बात करते रहेंगे तो वो टाइम चला गया जब वाकई में किस्मत चाहिए होती थी किसी राजा का बेटा होने के लिए, या फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल पैदा होने के लिए, या बहुत सारे किसी ऐसे घर में पैदा होने के लिए जहां पे बहुत सारा कैपिटल है। वो टाइम गया, आज वो टाइम है कि इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इफ यू हैव क्रिएटिव थिंकिंग। अगर आप नई चीजें सोच सकते हैं, अगर आप नया कुछ कर सकते हैं, यू आर लिविंग इन अ वंडरफुल जनरेशन, वंडरफुल एज। इसमें आपको करना क्या है, यू नीड टू डिसाइड कि मुझे मेरी जिंदगी में किधर जाना है, और मुझे अपनी जिंदगी में जहां जाना है
इस तक जाने का रास्ता क्या होगा, यानी कि पहली चीज क्या है कि आपको आपका डेस्टिनेशन, आपका गोल, आपका आउटकम आपको क्लियर होना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज आपको उसकी स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी अगर पता नहीं है सो यू आर इन द इंफॉर्मेशन एज, जहां पे आप स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी लर्न कर सकते हैं। एक सिंपल सी चीज लेते हैं, अगर आपको केक बनाना नहीं आता और आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे केक बनाना है तो यू कैन फाइंड द रेसिपी, आज वो एक्सेस आपके पास है। और सिर्फ ऐसे ही आप किसी भी और चीज की स्ट्रेटेजी को डिस्कवर कर सकते हैं, अपनी खुद की क्रिएटिव थिंकिंग आप यूज कर सकते हैं नई स्ट्रेटेजीज को डेवलप करने के लिए। और तीसरी जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी द फर्स्ट इज कि आपको आपका आउटकम, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, दूसरा आपको आपकी स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए या आप स्ट्रेटेजी को डेवलप कर ले, इतनी क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज, जो लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज टू टेक एक्शन, यानी कि एक्शन लेना। बहुत 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 सारी चीजें अवेलेबल है पूरी दुनिया में, लेकिन उन चीजों को जानते हुए भी लोग सक्सेसफुल नहीं होते। मैं रीजन बताता हूं। आपको नहीं लगता कि आपके माइंड में एक बहुत कमाल का आइडिया आया आज से 4 साल पहले या 1 साल पहले या 6 महीने पहले, और आज आप देखते हैं कि मार्केट में कोई उस आइडिया पे काम कर रहा है और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, और आपको लगता है यार ये आइडिया पे मैंने काम क्यों नहीं किया, इस आइडिया पे मैंने काम क्यों नहीं किया, या किसी और के माइंड में लगता है मेरा आइडिया चुरा लिया। मैं आपको बताऊं, ऐसा आइडिया सिर्फ आपके माइंड में नहीं आ रहा है, बहुत बहुत और सारे लोगों के माइंड में आ रहा है। लेकिन इनमें से सक्सेसफुल कौन होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उनमें से कौन सा पर्सन इस आइडिया को पकड़ के इसके ऊपर अपनी स्ट्रेटजी डेवलप कर रहा है और एक्शन ले रहा है। क्योंकि अगर एक्शन नहीं है फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। जिस पर्टिकुलर टाइम में लोगों ने काम किए और बहुत बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि जिस पर्टिकुलर टाइम में मर्सिडीज बेंज, जो एक्चुअली एक रिक्शा के फॉर्म में सबसे पहले डेवलप हुई थी, आपको क्या लगता है उस टाइम पे किसी के माइंड में ऐसा आइडिया नहीं आया होगा कि ऐसा कुछ मोटर जैसा व्हीकल भी बना सकते हैं? डेफिनेटली आया होगा, लेकिन लोगों ने उस पर एक्शन नहीं लिया। बेंज ने एक्शन लिया और देखिए आज वो कंपनी कहां पे है। जिस समय केबल टीवी नेटवर्क डेवलप होना शुरू हुआ टेड टर्नर के टाइम पे, क्या आपको लगता है कि केबल टीवी का पोटेंशियल उस समय बहुत सारे लोगों ने नहीं समझा होगा? बहुत सारे लोगों ने इसको रियलाइज किया होगा, लेकिन कितने लोगों ने उस पर एक्शन लिया? टेड टर्नर ने लिया और आपने देखा कि पूरी दुनिया कैसे चेंज हो गई, कैसे बदल गई, कैसे आज हम सबके घर में केबल टेलीविजन है और आज तो वो केबल्स भी रिप्लेस हो चुके हैं, हम सैटेलाइट टेलीविजन यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी कैसे कैसे चेंज होती जा रही है। सो यू आर लिविंग इन द बेस्ट टाइम। आपको करना क्या है, आपको ये बात ध्यान से समझनी है कि इफ गॉड हैज गिवन यू अ ब्यूटीफुल माइंड, आपके पास एक ऐसा माइंड है जिसके अंदर नए आइडियाज क्रिएट होते हैं, नए आइडियाज जन्म लेते हैं, तो आपको क्या करना है, उसमें से देखना है कि कौन सा आइडिया रेलिवेंट है, उस रेलिवेंट आइडिया को पकड़ना है, उससे रिलेटेड कुछ गोल डिसाइड करना है, एक स्ट्रेटजी प्लान करनी है और मैसिव एक्शन लेना है, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा तेजी से उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। सो दैट यू क्रिएट योर सक्सेस, आप अपनी जिंदगी को एक सक्सेस स्टोरी की तरीके से प्रेजेंट कर पाए बाद में और लोगों के लिए। कितना कमाल का होगा ये सोच के देखो, आपकी फैमिली में आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद या 100 साल बाद ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में बात करते हैं और कहते हैं एक इंसान ने डिसीजन लिया था अपनी जिंदगी में और पूरी फैमिली के अंदर चीजें चेंज हो गई, आज हम कितनी कमाल की जिंदगी जीते हैं, आज हमारे पास चॉइस है कि हम चूज करें कि वेदर मुझे जॉब करना है या नहीं करना है, मुझे अपना कुछ बिजनेस करना है या नहीं करना है, मुझे सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन करना है या मैं सच में अपने पैशन के लिए काम करना चाहता हूं। वो उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि काम नहीं करेंगे तो अगली चीज कैसे होगी, हमारे घर में पैसा कैसे आएगा, हमारी नीड्स कैसे पूरी होंगी, बिकॉज यू कैन क्रिएट एन एम्पायर, आप बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये बात सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस तक लिमिटेड नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ फाइनेंसेस के लिए मैं ये बात कर रहा हूं, इट कुड बी एनीथिंग इन लाइफ, जो भी आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर दैट एंड इंफॉर्मेशन हैज लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, बट दिस पोटेंशियल क्रिएट्स रिजल्ट व्हेन यू पुट दिस पोटेंशियल इनटू एक्शन, यानी जब आप इस पे काम करना शुरू करते हो। तो मैं आज आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यू आर लिविंग इन द बेस्ट टाइम, आज हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, ऐसी जिंदगी हम जी रहे हैं जहां पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जहां पे चीजें अवेलेबल है, पहले एक्सेस नहीं था हमारे पास, पहले बहुत सारी और चीजें रिस्पॉन्सिबल थी जो डिपेंड करती थी जिन पे हमारी सक्सेस, लेकिन आज आप ऐसे टाइम है वेर यू हैव एक्सेस टू दिस इंफॉर्मेशन, अगर आप इस पे एक्शन लेते हो तो डेफिनेटली यू कैन क्रिएट वंडरफुल रिजल्ट्स इन लाइफ। और आपको पता है जब कोई एक इंसान डिसीजन लेता है ना तो वो वाकई में इस दुनिया को बदल देता है, बिकॉज विद योर वन डिसीजन यू कैन क्रिएट समथिंग विद विच द एंटायर वर्ल्ड चेंजेस, बहुत सारी दुनिया में चीजें बदल सकती हैं आपके एक एक्शन लेने के कारण।
सो विद बेस्ट विशेस मैं यही उम्मीद करता हूं कि यू विल टेक एक्शन और आप अपनी जिंदगी में चीजों को बदलेंगे. यू आर लिविंग इन द बेस्ट टाइम.